उसे पार लगा देना, गुरुदेव दया करके मुझे तो अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, तुम सुख के सागर हो, भक्ति के सहारे हो, तुम सुख के सागर हो, भक्ति के सहारे हो, मेरे मन में समाए हो, मुझे प्राण से प्यारे हो, मेरे मन में समाए हो, मुझे प्राण से प्यारे हो, मुझे प्राण से प्यारे हो, मुझे प्राण से प्यारे हो, माला जपूंगे दोस्त बुला देना, नित माला जपोते तो सब ला देना, गुरुदेव दया करके, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, ओ मैं संत का सेवक हूँ, गुरु चरण का दास हूँ, मैं संत का सेवक हूँ, गुरु चरण का दास जग में अकेला हूँ, जगन्नाथ जग में अकेला, इस जग में अकेला, और जगन्नाथ द्वार का तेरा तेरे द्वार का भिखारी हूँ, दिल से बुला देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे
राम हरे राम 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 हरे Krishna Hare Hare चंद्राय राधिकायस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय
तद्भक्ताय नमो नमः। पंचाकल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। भक्त्या विहीनापराध लक्ष्य क्षिप्तासि कामादि तरंग मध्ये कृपा मयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम्। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बरासे हे रूप दुर्गत जनै दयावलोकै हे भट्ट जुगम सुमति रघुनाथ दास श्रीजीव में कुरुत मंद मतीर दयांगवरा। तमादि देवं करुणा निदानं तमाल वर्णं श्रुहिदावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं। जंग प्रभजन्त मनुपेतम अपेत कृतं द्वैपायन विरहका तराजु भाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुं स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदिरेत्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नितलीला ब्रविष्ण विष्णुपाद यशोदर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नितलीला ब्रविष्ण विष्णुपाद यशोदर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं जथाजु के प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे ये श्रीमद् भागवत कथा की महात्म को श्रवण कर रहे थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अगर किसी ग्रंथ की महिमा को हम समझना चाहते हैं बोले चार दृष्टिकोण से वो ग्रंथों को ऊपर में विचार करनी चाहिए। कहते पहला नंबर क्या है बोले ये भागवत कथा सुनने का अधिकारी कौन है। अगर कोई बोले हम तो बहुत बड़े पापी हैं क्या हम ये कथा सुन सकते हैं क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वही ये व्यक्ति ये भागवत कथा सुन सकते हैं बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभ्यम। जिनको जन्म जन्मांतर का कोई पुण्य उदय हो वही कथा सुन सकते हैं। कोई बोले हम तो बहुत बड़े पापी क्या कथा कौन सुन सकते हैं क्या। कहते आप ये अजाम श्री धुंधुकारी जैसे इतना बड़ा पापी कोई हो ही नहीं सकता है जो कि अपना पिता माता को भी घर से निकाल दे
और हर तरह का चोरी डाकू गुंडागिरी सब कुछ करे, फिर कुत्ते को साथ में रहे और इतना पाप करे, लास्ट में वेश्याओं ने मार करके उनको घर में गाड़ दिया, तो उसने प्रेत बन गया। जब गया में इसका नाम पर पिंड दिया, देखा फिर भूत बन करके बैठा हुआ, बोले तेरे नाम पर मैंने गया में पिंड दिया, तेरे को मुक्ति नहीं मिली। बोले भैया मैंने इतना बड़ा पाप किया, मेरा नाम में 100 बार पिंड देने पर भी मेरे उद्धार नहीं हुई, ऐसे व्यक्ति को उद्धार कैसे हुआ? बोले भागवत कथा से। इसका तात्पर्य है, जितने बड़े पापी क्यों नहीं हो, कहते केवल भागवत कथा श्रवण करे तो, कहते ये भागवत कथा उससे भी संसार समुद्र से उद्धार करता है। कहते अगर कोई बोले हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, क्या हमें ये सब कथा बता सुनने का क्या जरूरत है? कहते सुखदेव गोस्वामी जैसे हम इतने बड़े ज्ञानी कभी बन ही नहीं सकते, जो कि जन्म से ही मातृ गर्भ में जो बैठ बैठ करके भजन करता था, और जन्म होते ही जिनका उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ, जो सन्यासी बन करके चले गए, कहते ब्रह्म, कहते जो कि ब्रह्मनिष्ठ संपूर्ण रूप में ब्रह्म में जो डूबे हुए व्यक्ति थे, ऐसे व्यक्ति भी एक भागवत का एक श्लोक को सुन लिया तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके उसने आए और उनने पूरी भागवत कथा को सुनी। इसलिए कथा कौन सुन सकते हैं? पर एक पापी से पापी भी सुन सकते हैं और एक ज्ञानी से ज्ञानी भी सुन सकते हैं। कहते कथा सुनने का अधिकारी सभी है। भले ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ में विषय क्या है? कहते विषय, कहते आराध्य भगवान ब्रजे सस्तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण जा कल्पिता। भागवत में जो विषय वस्तु है भगवान श्री कृष्ण चंद्र का। कौन सा कृष्ण चंद्र? जो श्री ब्रजनंदन श्याम सुंदर का भागवत में कथा है। इसलिए आराध्य भगवान ब्रज से तनय, बोले रहने वाले कहाँ पर? बोले रहने वाले वृंदावन में। बोले उनको कैसे उपासना करनी चाहिए? बोले यद्यपि उनको उपासना भागवत में 5 तरह का भक्त का नाम बताया गया। पहला नंबर ज्ञानी भक्त, बोले कौन है? बोले श्री प्रहलाद महाराज। उसके बाद में शुद्ध भक्त, बोले श्री अम्बरीश महाराज। प्रेमी भक्त, बोले श्री हनुमान जी। प्रेमापर भक्त, बोले श्री कौन है? पांडव लोग है। कहते श्री प्रेमातुर और कहते लास्ट में श्री उद्धव जी को बताए। कहते ये सर्वश्रेष्ठ भक्त ये उद्धव जी है, जिसको कृष्ण स्वयं कहते हैं उद्धव तू मेरे जितने प्रिय हो, कहते मेरा बेटा ब्रह्मा भी उतना प्रिय नहीं। बोले ब्रह्मा को छोड़ दो, मेरा जो हरिहर एकात्मा शंकर भी इतना प्रिय नहीं। बोले शंकर जी को छोड़ दो, मेरी अंकसायनी लक्ष्मी भी इतना प्रिय नहीं। बोले लक्ष्मी की बात छोड़ दो, मेरे बलदेव प्रभु अभिन्न श्री बलदेव प्रभु भी इतना प्रिय नहीं। बोले बलदेव का बात छोड़ दो, मेरे जो एकात्मा, कहते कौन है? कहते सिर्फ मेरा जो आत्मा, कहते मैं भी मेरा इतना प्रिय नहीं जितना प्रिय कौन हो? बोले तुम जितना मेरे प्रिय हो। इसलिए ऐसे श्री उद्धव जी जब ब्रज में आए, ब्रजवासियों का प्रेम को देखा और ब्रज गोपियों के प्रेम राधा रानी को प्रेम को देखा, उद्धव जैसे व्यक्ति भी राधा रानी के चरण की एक धूल और ब्रज गोपियों के चरण को वंदना करते हैं श्री उद्धव जी। इसलिए कहते भागवत में किसकी प्रेम की बात बताए? बोले ब्रजवधु वर्गेण जा कल्पिता, उन लोगों ने जिस भक्ति को स्थापन की है। कहते ब्रज गोपियों की बात जिसमें विषय वस्तु है, कहते उसका लक्ष्य क्या है? कहते प्रेम, प्रेम ही हमारी जीवन का, यही प्रेम ही जीवन का हमारी लक्ष्य है। इसलिए गत गले हम लोग ने भागवत का महिमा को हम लोग ने श्रवण कर रहे थे।
कहते आज हम लोग श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत। कहते जन्मादस्य जतन्यादितरतस्य स्वार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय जो आदि कवये मुह्यन्ति जत सूरयो तेजो वरि मृदम जता विनिमयो जत्र त्रिसर्ग मृषा ध्याम्ना स्वेन सदा निरस्त कुवकम सत्यंग परम धीमहि। जब श्री सुखदेव गोस्वामी ये भागवत को प्रारंभ करते हैं सर्वप्रथम ये मंगलाचरण करते हैं। कहते मंगलाचरण में विशेष करके इसमें तीन श्लोक है। जो पहला श्लोक है कहते हमारी हमारी किसको साथ में संबंध है, वह ये भागवत का आराध्य देव कौन है और हमें किसी को ध्यान करनी चाहिए, ये पहला श्लोक है। दूसरा जो श्लोक मंगलाचरण का कहते ये अभिधेय, अभिधेय मतलब है भगवत प्राप्ति की साधन क्या है, वह प्रतिज्ञा भागवत क्या प्रतिज्ञा लेता है। और जो तीसरा जो मंगलाचरण श्लोक है कहते हमारे प्रयोजन क्या और भागवत हमें आशीर्वाद क्या देता है। कहते जो पहला जो श्लोक है जिसमें क्या बताए जन्मादस्य जत, कहते हमारे आराध्य देव कौन है, बोले सत्यंग परम धीमहि। कहते हमारे जो आराध्य देव है वो परम सत्य को हम ध्यान करते हैं। कहते वो परम सत्य कौन है, कहते इसी विषय में भी बड़े तर्क वितर्क है। कहते जो जिसको उपासना करता है क्योंकि इसमें किसका नाम नहीं दी गई, जो ब्रह्मा को उपासना करते हैं कहते ब्रह्मा ही परम सत्य, जो शंकर जी को उपासना करते हैं बोले सत्यम शिवम सुंदरम शंकर ही सब कुछ है, और जो देवी मैया को भजन करते हैं कहते देवी मैया ही सब कुछ है। लेकिन यह हमारे श्री वल्लभाचार्य कहते बोले नहीं, इसी श्लोक में जो ध्यान जिसको करते हैं केवल ये भगवान कृष्ण है ये और कोई नहीं। क्योंकि जब मातृगर्भ में भगवान कृष्ण आए 33 करोड़ देवता प्रकट होकर के सबके सब स्तुति करते हैं बोले सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्य सजोनी निहितम च सत्य 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 अमृत सत्य नेत्रे सत्यात्मकत्वाम शरणम प्रपत्ति। कहते जिनका व्रत ही सत्य है, जिनका धामी सत्य है, जिनका आश्रय करते वो भी सत्य है, जो त्रिकाल सत्य जो सनातन है कहते ये कौन है, कहते भगवान श्री कृष्ण चंद्र। कहते ऐसे जो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण हम सबके सब उनके चरण में प्रणाम करते हैं। बोले वो कौन है, बोले जन्मादस्य जता, जिनसे ये विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि स्थिति, जिनका आदेश पर ब्रह्मा जी जगत को सृष्टि करते हैं, जिनके आदेश पर शंकर जी संहार करते हैं, जिनके आदेश पर विष्णु जगत को पालन करते हैं, ऐसे जो परम सत्य भगवान कृष्ण हैं, बोले अन्य और व्यतिरेक रूप में कहते जगत का सृष्टि सिद्ध प्रलय करने वाले वही है, जिन्होंने ब्रह्मा जी का हृदय में दिव्य ज्ञान को जिन्होंने स्फुरण किया, जिनकी माया ऐसे है बोले मोहंति जत सूरज, जिनकी माया में बड़े बड़े देवता लोग भी मोह प्राप्त हो जाते हैं। आगे जाकर के सुनेंगे कैसे स्वयं ब्रह्मा भी मुग्ध हो गए हैं, और ब्रह्मा लास्ट में जाकर क्या कहते हैं बोले जानन्तु एव जानन्तु। अगर कोई कहते हैं मैं कृष्ण को जानता हूँ, अरे वो जो गैया को पीछे पीछे ढूंढता था ना, वो घर घर में मक्खन चोरी करता था, हर गोपियों को कपड़ा चुराया था, वही कृष्ण की बात कर रहे हो ना, अरे हम सब जानते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी कहते जो व्यक्ति बोलते हैं हम उनको जानता हूँ भले उनको जानने दो, लेकिन मैं चतुर्मुख ब्रह्मा कहता हूँ, क्या कहता हूँ भले बारिश का बूंद को कोई कोई गिन सकते हैं, कोई धूल का रेती को कोई गिन सकते हैं,
लेकिन भगवान कृष्ण की महिमा को कोई ठा नहीं पाते। इसलिए जहाँ पर ब्रह्मा भी स्वयं जहाँ पर मुक्त हो गए, स्वयं इंद्र देव हैं, जो देवता का राजा इंद्र, वो भी स्वयं मुक्त होकर के उन्होंने 7 दिन तक बारिश बरसाया। लेकिन उनको जो पता चला ये भगवान है, वो भी आकर के चरण में नाक रगड़े। इसलिए कहते बड़े बड़े देवता भी जिनकी माया में सबके सब मोहित हो जाते। ऐसे जो भगवान कृष्ण चंद्र हैं, हम सबके सब उनके चरण में प्रणाम करते हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, तब हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, क्या केवल कृष्ण को प्रणाम करते ना, और किसको भी प्रणाम करते हैं? अरे नहीं, अकेले कृष्ण को प्रणाम नहीं करते हैं, कृष्ण को साथ में श्री राधा रानी को भी प्रणाम करते हैं। इसलिए सत्यम परम धीमही, जो परम शब्द है, परम च इति पराम, मतलब देवी कृष्णमयी प्रोक्त राधिका परा देवता। इसलिए कृष्ण को साथ में श्री राधा रानी के चरणों को भी प्रणाम करते हैं। आधा है, इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, बोले अनाराध्य राधा पदाम्भोजरेणो अनाश्रितं वृंदावनं तद अटबिं असंभास तद भावगंभीरचिता उतः श्याम सिंधो रसस्यावगाह। बोले जब तक श्री राधा रानी के चरण को कोई आश्रय ग्रहण नहीं करते हैं, उनकी चरण द्वारा अंकित श्री वृंदावन धाम को कोई ग्रहण नहीं किया और उनकी भक्ति रस में डूबे हुए राधा जी की ऐसे भक्तों का चरण को जो आश्रय ग्रहण नहीं किया, हाँ कहाँ वो कृष्ण रस समुद्र में गोता लगा सकता है। इसलिए अगर किसको कृष्ण भक्ति बना तो श्री राधा जी के चरण को आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। इसलिए कहते इसमें श्री दोनों का ही यहाँ पर उन्होंने वंदना की है, हैं? इसलिए कहते जन्मादस्य जत अन्याद करतस्य, कहते जन्मादस्य जत मतलब जिनसे आद्य रस मतलब ये श्रृंगार रस की प्रकट हुई है। इसलिए राधा रानी कौन है? कहते वैदग्ध सिंधु रनुराग एक सिंधु वात्सल्य सिंधुरति सांद्र कृपायक सिंधु लावण्य सिंधुर अमृत छवि केल सिंधु श्री राधिके स्फुरतु मे रस केल सिंधु। इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं जैसे सप्त समुद्र है, इकु समुद्र, लवण समुद्र, मधु समुद्र, घी का समुद्र, दूध का समुद्र, ऐसे ही श्री राधा जी के अंदर में भी ये सारे रस का समुद्र श्रीमती राधा रानी। राधा रानी कौन है? बल्कि लावण्य का सिंधु है, कृपा की सिंधु है, वात्सल्य का सिंधु है, रस का सिंधु है, अमृत का सिंधु है। इसलिए श्री राधे के स्फुरत में हृदय के लिए सिंधु, ऐसे ऐसे श्रीमती राधा रानी हम सब का हृदय में श्री राधा रानी की प्रकट हो, आविर्भूत हो। बोले श्रीमती राधा रानी की। इसलिए इसमें बताए कहते जन्मादस्य जत जिनसे ये आदि रस श्रृंगार रस की प्राकट्य होता है। इसलिए सर्व गोपेश सेविता विष्णुर रत्यंत वल्लवा, जिनके चरण को समस्त गोपियां भी, जिनके चरण को चंद्रावली आदि जितने गोपियां जिनके चरण को आश्रय ग्रहण करते हैं। इसलिए कदिये देवी दुत्तप्यमाना परमा सुंदरी है, देवी कृष्णमयी जिनकी बाहर भीतर जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे, जहाँ इनकी नेत्र पड़ती है उधर कृष्ण कृष्ण को दर्शन करती हैं। कदिये राधिके मतलब कृष्ण न आराध्यते इति राधा, वा कृष्णम समा आराध्यते इति राधा, कृष्ण भी जिनकी चरण को आराधना करते हैं, हैं? राधिके अपरा देवता, जितने देवियों में सर्वश्रेष्ठ देवी श्री राधा रानी, हैं? सर्व लक्ष्मीमयी, जिनसे सारे लक्ष्मियों की प्रकट होती है।
हैं। इसलिए भगवान की अनंत सखियों में कभी जो पराशक्ति कौन है, कहते श्रीमती राधा रानी हैं। इसलिए ऐसे श्री राधा जी के चरणों को हम सुन के सब वंदना करते हैं। कहते रात तब ये कहते पूर्ण रस का प्रकट होता है, बोले अन्यतरतः, मतलब क्या, बोले जब श्री कभी, जब राधा रानी कभी मान कर लेती हैं, हैं, जब मान कर देती हैं, कृष्ण क्या करते हैं उनको मान को मनाने के लिए, कहते स्मर गर्ल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पल्लवधम मुदम उदारम। जब राधा रानी के मान किसी तरह से नष्ट नहीं होता, कृष्ण अपना बंसुरी रख देते हैं उनके चरण में, मोर मुकुट रख देते हैं राधा जी के चरण में, अपना नाम को भी लिख लेते हैं श्याम सुंदर। इसलिए कहते हैं हर समय तो कृष्ण देखने में सुंदर है ही है, कृष्ण तो परम सुंदर है, लेकिन ये कहते हैं उनकी सर्वश्रेष्ठ सुंदरता कब प्रकट होता है, तभी प्रकट होता है जब श्री राधा रानी स्वाधीन वत्रिका और कृष्ण अनुकूल नायक बनते हैं, तभी इनकी सारे सौंदर्य माधुर्य तभी प्रकट होता है। इसलिए कृष्ण जब उन्होंने राधा जी के चरण में अपना सर को रख देते हैं, उसी समय कृष्ण सबसे सुंदर, उसी समय कृष्ण दिखते हैं। इसलिए बोले अन्यादितरतस्य स्वार्थे स्वभिक्क स्वराट तेने ब्रह्म हृदा जो आदि गवे मुझ्यन्ति जत सुरयो। इसलिए राधा रानी का प्रेम ऐसे है, जहाँ पर बड़े बड़े देवता लोग भी राधा रानी के प्रेम को देख कर को भी चमत्कारिता हो जाते हैं। ऐसे श्री राधा जी के चरण में सत्यम परम हम श्री राधा जी के चरण को प्रणाम करते हैं। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। इसलिए कहते ये जो जो ध्यान में कहते श्री जुगल चरण को उपासना करते हैं, हम सब अकेले कृष्ण को नहीं, इसे भक्ति विनोद ठाकुर बोले अकेले माधव पूजय सो ज्ञानी, जो अकेला कृष्ण को पूजा करते वो अज्ञानी है। राधा अनादर करे अभिमानी, कबई ना कर अभी ता कर संग चित्ते इच्छा से यदि ब्रज रस रंग, जिसको ब्रज रस को आस्वादन करने की इच्छा है उनको कभी भी ऐसे व्यक्ति का संग मत करो जो अकेले कृष्ण को पूजा करते हैं। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जीवने मरणे गाते हार नाही मोर, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जीवने मरणे गति हार नाही मोर, कोले खेली कदम्बेर बाना रतना बेदेरा ऊपर बसब दुजना, काल देर को श्याम गौरी अंगे बिवचुआ चंदनी रगा मरा दुलाब कवे एव मुख चंद्र, मरा दुलाब कवे एव मुख चंद्र, आ गांतिया माला तीर माला दिव दुहार गाले आधारे तोले आदेव कर्पूर तमोले, श्याम
मंगलाचरण का जो दूसरा श्लोक है कद ध्यान कद हम कृष्णा, दूसरा श्लोक कद ये प्रतिज्ञा वा अविध है, कद भगवत प्राप्ति का क्या उपाय किया है, हमें भगवान मिलेंगे कैसे है, इसलिए कद भागवत भगवत प्राप्ति के लिए वो प्रतिज्ञा क्या करता है, बोले धर्म प्रोजीत कैतव अत्र, कद इसका पहला शब्द है धर्म, अगर कहीं वास्तव धर्म कहीं है, बोले कहाँ पर ये वास्तव धर्म, बोले ये श्रीमद् भागवत में ही वास्तव धर्म केवल इसी ग्रंथ में ही, इसलिए पहला शब्द धर्म है, इसलिए भागवत में क्या बताए, बोले धर्म प्रजीत कैतवत्र, भागवत ग्रंथ में किसी तरह का कपटता को कहीं स्थान नहीं दिया गया है, इसलिए कपटता किसको कहते हैं, कदि कृष्ण भक्ति को छोड़ करके जो दूसरा दूसरा जो कामना है कदि ये सब के सब कपटता, इसलिए जिसमें धर्म अर्थ काम को तो निकाल दिया गया और संपूर्ण रूप में जहाँ पर मुक्ति को भी जिससे संपूर्ण रूप में उत्खाट कर गया, जिसको पूरा रूप में निकाल दिया है, जिसमें केवल शुद्ध भक्ति का ही जिसमें निरूपण की गई है, और दूसरा जो अत्र है कहते धर्म कहते सत्य धर्म प्रजीत परम निर्मत वेद्य वास्तव मत्रम, कहते जिसमें केवल वास्तव धर्म को ही जहाँ पर निरूपण की गई, जहाँ पर हैं जहाँ पर कहते सद्य हृदय अवरुद्ध अत्र, तीसरा जो अत्र है केवल कथा सुनने की इच्छा मात्र से ही जहाँ पर भगवान हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, जिससे हृदय से निकल नहीं पाते हैं, इसे धर्म प्रजीत कैतवत्र परम निर्मत सरनाम सताम, बोले भागवत में जो परम निर्मत सर जिसके हृदय में जो निर्मत सर है उसका हृदय में भक्ति आना बड़ा कठिन है, इसलिए पता है काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य कभी ये हर चीज तो ठाकुर के सभा में लगा देते हैं घुमा फिरा करके, लेकिन जो मात्सर्य वस्तु है कभी इसको कहीं नहीं लगाया है? इसको कहीं नहीं लगाया गया, इसलिए कभी जो ऐसे जो निर्मल सर साधु है उनके लिए ये भागवत उनके लिए बताया गया, इसलिए सद्य हृदय अवरुद्ध अत्र बोले कृति भी, कहते कथा को कौन सुन सकते हैं, बोले साधारण व्यक्ति सुन नहीं सकते, जिनकी करोड़ों करोड़ जन्म का कोई पुण्य उदय हुआ हो वही व्यक्ति ही कथा सुन सकते हैं, अगर कोई बोले भैया हमको हमने कोई सुकृत किया नहीं हम बड़े पापी थे क्या कथा नहीं सुन सकते हैं, बोले केवल आओ और कथा में बैठ जाओ और कथा सुनते 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 अपनी आप तुम्हारी सुकृति बन जाएगी है, इसलिए सुनते से भी तत्क्षणात कद जो तीसरा जो श्लोक है कद निगम कल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम पीवत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भुविवा बुका, कद ये श्लोक में
ये हमें आशीर्वाद देता है। भागवत हमें क्या आशीर्वाद देता है? कभी ये भागवत नहीं, कभी ये कल्प वृक्ष। इसलिए गुरुदेव की कथा सुनाते थे, कल्प वृक्ष मतलब होता है जो मागत में वही मिल जाएगा। वो उदाहरण देकर समझाते थे, पहले एक समय कोई एक व्यक्ति जंगल में गया, राजा शिकार करने के लिए गया, तो जंगल में शिकार करते 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 बड़ी दूर तक चला गया, हो गया शाम। अभी थक करके एक पेड़ को नीचे बैठ गया, अभी वो सोच रहा है, उसको पता नहीं ये वृक्ष कल्प वृक्ष है। वो सोच रहा है, अगर मैं राजमहल में होता है ना, मेरी दासियां कितने सुंदर सुंदर जूस ला करके हम पिलाती। इतना सोचते ही देखा बड़े सुंदर सुंदर अप्सरियां उतर करके आए और जूस लेकर के आए। बोले महाराज जूस पियो, महाराज ये जूस को पी पियो। फिर उन्होंने देखा, बोले बढ़िया बड़े सुंदर जूस आ गया। फिर सोचा अगर राजमहल में होता तो 56 भोग और 36 व्यंजन हैं रानी ला करके सामने रख लेता। इतना बोलते ही 56 भोग 36 व्यंजन आ गया। बोले राजा, बोले वाह तो भोजन कर लिया। बोले अगर राजमहल में होता तो बड़े सुंदर गजदंत पलंग के ऊपर में और झांक जैसे मुलायम बेड के ऊपर में विश्राम करता। देखते ही सचमुच उतर करके आ गया। राजा जब सोने जा रहा था, इतने में शाम हो गया तो एक बाघ ने दहाड़ा। हाँ, बड़े जोर से जब दहाड़ा, अरे बाघ नहीं आ जाए, उत्था कल्प वृक्ष जो मांगे वो ही मिलेगा। देखा सचमुच से सामने आ गया, कौन आ गया? बाघ आ गया। बोले ये मेरे को खा नहीं जाए, इतना बोलते झपटा और उसको खा गया। कद इसको कहते ही ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष क्या करता है? कद जो मांगो वही दे देता है। कद क्या भागवत ऐसे ही है? बाघ आकर खा जाएगा? बोले नहीं, ये बाघ भागवत है, ये माँ है। ये माँ होने के नाते बच्चों के लिए जो अच्छा चीज है वही चीज ही ये भागवत देती है। ये अमंगल कभी जीविका ये करती नहीं, केवल ये भगवान की भक्ति और ये प्रेम को देने वाले ये श्रीमद् भागवत है। इसलिए कहते निगम कल्प तरूर गलितम फलम, कहते भागवत क्या है? कहते ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल, फल ये श्रीमद् भागवत है। एक तो पका हुआ फल है, फिर दूसरे में फिर उसने सूख पखी ने उसमें चोंच मारी। चोंच मारते ही कहते हैं इतने में वो गिरा, वो फल गिरा। इसलिए फल कैसे हैं? बोले द्रव्य संजुतम, इसलिए निगम कल्प तरूर गलितम फलम। गलितम फलम मतलब क्या है? कहते एक फल होता है, पकने से पहले उसको तोड़ करके लाओ और कार्बाइड दे करके जोर जबरदस्त उसको पका दो। और एक फल होता है जो स्वाभाविक रूप में पेड़ में ही पक जाता है, हैं? इसलिए स्वाभाविक रूप में, इसलिए ये जोर जबरदस्त ला करके जो पकाया गया फल नहीं, उसमें मीठा अच्छा नहीं रहता है। लेकिन जो स्वाभाविक रूप में पकता है उसमें विशेष मीठा रहता है। वो वैसे ही तो मीठा, फिर उसमें सूख पखी ने जब चोंच मारे बास, उसमें और भी स्वाद आ गया। बोले कारण किया? बोले ये जो सुख पखी है, बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेना एकांतक नन्न रहस्य पाठी निकुंज प्रसाद सदा निवास। कारण है कि जो सुखदेव गोस्वामी ये राधा रानी का ये प्रिय सुख है। अगर कोई साधारण व्यक्ति कथा सुनाए उसमें कितना मिठास होता है, अगर कोई राधा रानी के प्रिय सखी अगर ये कथा सुनाएगा तो फिर ये कथा में कितने मिठास कितना नहीं आएगा। इसलिए कहते द्रव संजुतम, कहते क्या करो? कहते ये फल कहाँ पर था? बोले वेद रूपी कल्प वृक्ष का जो सबसे ऊंचाई जो टहनिया में ये फल वहीं पर फला हुआ था। बोले लेकिन सबका नजर वहां पर पड़ा नहीं, सभी लोगों ने वो फल नहीं देखा। बोले क्यों नहीं देखा? कारण क्या है? कहते सबसे ऊंचाई शाखा में था और सब लोगों ने क्यों नहीं देखा, कारण क्या? बोले कारण है, बोले सुख मुखात अमृतम है। कहते इसको ये सुख पक्षी नहीं देखा। बोले ये सुख पक्षी क्यों देखा? दूसरे व्यक्ति क्यों नहीं देखा? बोले कारण है, कहते जब तक कोई गुरु परंपरा में नहीं आता है ना, जब तक कोई गुरु परंपरा में नहीं आता है
कहते वो फल को वो देख नहीं सकता है, है? भक्ति किसको मिलेगा? इसलिए जो संप्रदाय विनाज मंत्रास्ते विफला मत, इसलिए शुद्ध वैष्णव संप्रदाय में आनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कैसे कौन सा संप्रदाय में, और सबसे पहले भगवान हैं ये फल को खा करके ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी इसी फल को श्री नारद जी को दिया, नारद जी व्यास देव को दिया, व्यास देव जी श्री सुखदेव गोस्वामी को दिया। इसलिए चूंकि ये गुरु परंपरा में आए हैं इसलिए उनको वो फल सबको नहीं देखा, केवल इन्हीं को ये फल दिखा है। लेकिन जब देखा सूप पक्षी उड़ते हुए गया और उसमें चोंच मारे, लेकिन जब चोंच मारे उसमें कहावत है, हैं? अगर किसी फल में अगर ये सूप पक्षी ने चोंच मार दिए ना तो उसमें ज्यादा सा मीठा आ जाता है, हैं? ज्यादा मीठा उसमें आ जाता है। इसलिए पहले तो भागवत मीठा था ही, लेकिन जब श्री राधा रानी की सखी की मुंह से ये कथा निकली उसमें और भी ज्यादा मिठास आ गई। इसलिए क्या करो, बोले ये इसको खूब पियो, हैं? इसको खूब पियो। बोले आपने पहले बोला ये फल है, फल को तो खाते हैं, फल को थोड़ी पीते हैं, फल को तो खाते हैं, फल को तो पीते है ही नहीं, अब कहते पियो। बोले ये ऐसे के फल है जिसमें गुठली नहीं, जिसमें छिलका नहीं, जिसमें केवल रसी रस है, कहते इसको पियो। बोले कैसे, किधर से पियो? बोले ये ऐसे के फल है जिसको मुंह से नहीं पी जाती, जिसको कानों से पीते हैं। कहते कोई चीज को अगर हम मुंह से पिएंगे ना वो नीचे निकलेगा, उसको कोई रख नहीं सकते, लेकिन जो चीज कानों से पियोगे वो कभी नहीं निकलेगा। इसलिए मुंह रहो, इसको क्या करो, हर समय इसको पीते रहो, इसको छोड़ना नहीं। कहते इसको कौन कौन पी सकते हैं? बोले रसिका और भावुक का, कहते ये दो व्यक्ति ही इसको पी सकते हैं। बोले ये रस को पिए तो कौन कौन पिए है? सब भक्तों ने पिया है, भगवान की सब भक्त, भगवान के पांच तरह के भक्त हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। कहते ये पांच रस के भगवान के भक्त हैं, इन लोगों ने वो रस को पिए हैं, हैं? इन लोगों ने पिए, लेकिन परिपूर्ण रूप में ये भागवत हमें आशीर्वाद क्या देता है, इसको परिपूर्ण रूप में किसने पिया है? भले इसको ये रस क्या है, भले श्री कृष्ण का अधरामृत ही इसका रस है, कृष्ण की अधरामृत इसकी रस है, इसको पिया किसने? इसलिए श्री हम बृहद बामन पुराण में बताए, कहते इसको ये गोपियों ने, हैं? कहते जो वेद का जो मंत्र हैं ये सब के सब एक एक गोपी रूप धारण किए। बोले क्यों गोपी रूप धारण किए? बोले कारण है वेद का मंत्र, हाँ? कहते निगम कल्प तरूर, ये वेद रूपी वृक्ष का ये फल है, इसको ये एक एक जो मंत्र गोपी हैं, जब भगवान संतुष्ट हुए बोले बताओ क्या चाहते हो? बोले प्रभु गोपियों ने जैसे आपका प्रेम किया हम ऐसे आपको भक्ति करना चाहते। बोले नहीं ऐसे नहीं होगा, ये चीज मैं नहीं दे सकता, और कोई चीज मांगो। बोले हमें केवल यही चीज चाहिए। तब इनके उत्कंठा को देख करके बोले ठीक है, तुम लोग सबके सब द्वापर युग में वृंदावन में ब्रज गोपी बन करके आओ, तब तुम्हारी इच्छा को हम पूरी करेंगे। इसलिए यद्यपि कहती है यद्यपि सभी ने पिया है कृष्ण के अधरामृत ही इसकी, इसका ये फल है, उसको कौन पान किया? बोले वेद का मंत्रों ने आराधना करके गोपी रूप धारण किया, और गोपी रूप धारण करते ही इन लोगों ने ये रस को उनने पिया है। इसलिए भागवत हमें आशीर्वाद क्या देता है, बोले ये आशीर्वाद देता है गोपियों की भाव से जो उपासना है ये सर्वश्रेष्ठ उपासना। अगर ऐसे अगर कोई भगवान को इसी रस को द्वारा भगवान को अगर कोई प्राप्त कर सकता है कभी ये सर्वोत्तम यही प्राप्ति, इससे बड़ा जगत में कोई चीज है नहीं। जिसके लिए शंकर भी गोपी बन करके आते हैं, ब्रह्मा भी ब्रह्माचल पर्वत बन करके गोपी भाव से, कहते नारद जी पूछे पिताजी आप 60,000 वर्ष क्यों तपस्या किए? बोलिए गोपियों के प्रेम को पाने के लिए बेटा, ये गोपियां कोई स्त्री नहीं, ये आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता, ये आनंद चिन्मय रस का एक एक मूर्तिमान मूर्ति ये ब्रज गोपियां बेटा। इसलिए
जिसको शंकर भी प्रार्थना करते हैं, जिसको ब्रह्मा भी प्रार्थना करते हैं, जिस प्रेम को पाने के लिए श्री उद्धव जी घास भूसा बन करके गिरिराज की तलहट में प्रार्थना करते हैं, जहाँ पर नारद जी गिरिराज तलहट में नारद योग गोपी बन करके जिस चीज को पाने के लिए तपस्या की। इसलिए यही भागवत का आशीर्वाद है ब्रज गोपियों की आनुगत्य में। इसलिए महाप्रभु भी ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आकर के ये अनर्पित चरण चिरात प्रेम को प्रदान करते हैं, यही भागवत का आशीर्वाद है। बोले श्रीमद भागवत कथा मृत मुखी, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। कौन है भाई? कब गाल था उसको, गट लगा दो उसको, उसको स्तर में बुला दो, बुला दिया। अनुपम माधुरे जोरे हमारे श्याम श्याम के, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्याम के, अनुपम माधुरी अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्याम के, रस भरे अखियां हमारे श्याम श्याम के, रसीले रस भरी अखियां हमारे श्याम श्याम के, कटेली दादी सुगर छो दुर्भतिया, सूरत मधुर बसिया श्याम, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्याम के, अनुपम माधुरी अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्याम के, मुकुट और चंद्रिका माते अधर पर कान के लाले, मुकुट और चंद्रिका माते अधर पर कान की लाली, मुकुट और चंद्रिका माथे अधर पर कान की लाली, कैसे बने सभी है अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्याम के, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्याम के, परत पर मिलके जाती हरे से बिंदा
पर मिल के जब बिहारे से वृंदा बन की तुम जन में पर मिल के जब बिहारे से वृंदा बन की तुम जन में पर न बने शोभा नहीं पर न बने शोभा हमारे श्याम श्यामा जी अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा जी नहीं कुछ लाल साधन की नहीं मेरे पान की नहीं कुछ लाल साधन की नहीं मेरे बाण की इच्छा करो दर्शन सके श्यामा करो दर्शन दयावो श्याम श्यामा जी अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा जी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे ये सभी पुंसा कर धर्म
हरे कृष्ण बोल ओम नैमिषे अनिमिषे क्षेत्रे ऋषयः सौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। बोले एक समय पितामह ब्रह्मा जी को पास में कहते श्री सौनकादि ऋषि लोग गए। बोले पितामह जी बताओ ये कलियुग से हम कैसे बच सकते हैं। बोले कोई चिंता मत करो, मैं अपना मन से एक चक्र प्रकट करके फेंकूंगा, ये चक्र जहाँ पर गिरे समझना स्थान पवित्र, वहीं पर बैठ करके भजन करोगे, ये कलियुग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो चक्र जा करके गिरा श्री नमेशारण्य में। नमेश मतलब क्या है, जहाँ पर एक निमिष समय भी जहाँ बर्बाद नहीं हो, जहाँ पर श्री एक निमिष के अंदर में भगवान ने जहाँ पर राक्षस का जो शक्ति को जहाँ पर उन्होंने दलन किया था, इसलिए और जहाँ पर वो चक्र का ऊपर भाग को नेमी कहते हैं, वो वहीं पर गिरा था, इसलिए उस स्थान का नाम नेमी नैमिषारण्य। वहीं पर सौनक आदि ऋषि लोग हजार सालों से बैठ करके यज्ञ कर रहे थे, लेकिन यज्ञ करते करते उनको कोई शांति नहीं मिल रहा था। उनकी सब उनका दाढ़ी उनकी मोच हृदय तक भी उनकी जल गया, लेकिन शांति नहीं मिल रहा है। एक दिन भगवत इच्छा से श्री सुतो गोस्वामी आए, एक लोमहर्षण सुत और एक उग्रसवा सुत। ये जो सुत है श्री उग्रसवा सुत है, और लोमहर्षण जो सुत है कहते जिनको बलदेव प्रभु ने जिनको मारा था, इसलिए उनको ये बेटा श्री उग्रसवा सुत जिनका श्रुत मतलब जिनका कर्ण उग्र, उग्र मतलब बड़ा तेज है। इसलिए जिस समय श्री सुखदेव गोस्वामी ये भागवत कथा कर रहे थे, ये सबको पीछे बैठे हुए थे, लेकिन पीछे बैठने पर भी सुखदेव गोस्वामी का हृदय का जो समस्त भाव को इन्होंने ही धारण किया श्री सुतो गोस्वामी। इसलिए भगवत इच्छा से जब सुतो गोस्वामी यहीं पर आए, तब सौनकादि ऋषियों ने सुतो गोस्वामी को आसन दे करके बैठाए और उनको पूजा किए। पूजा करके तब श्री सुतो गोस्वामी को कहते हैं, हे सुतो गोस्वामी, आप तो गुरु जी की कृपा से ही ये जितने वेद पुराण इतिहास को अपने अच्छे तरह से समझा हैं, गुरु जी की कृपा से, इसलिए आप कृपा करके बताओ, क्योंकि ये कलियुग है, कलियुग में भले प्रायण अल्पायुष सभ्य कला भस्मीन जुगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य झुपदुता। कलियुग का क्या स्थिति है, बोले कलियुग का जो स्थिति है, बोले प्रायण अल्पायुष सभ्य, प्राय करके लोगों का आयु बहुत कम है। पहले नियम होता था जब तक इनकी परमायु पूरी नहीं हो जाती थी तब तक कोई नहीं मरता था, पहले ये सब नियम रहता था हैं। अगर बीच में कोई मर गया ना, बोलते थे क्यों मरा, बोले ये राजा की अन्याय से मरा है। लेकिन कलयुग में कोई भी किसी समय भी मर सकता है, उसके लिए कोई भी गारंटी नहीं, कभी भी मर सकता है कलयुग में हैं। इसलिए बोले प्राय करके अल्पायु, पर कलयुग में दूसरे युग में 1,10,000-1,000 उम्र होता था, लेकिन कलयुग में उम्र 100 साल, और उसमें भी कलयुग में 100 साल और कोई जिंदा नहीं रहते। अगर कोई 100 साल रह गया ना, अरे पास सेंचुरी मारते हैं 100 साल हैं, इसलिए अभी कोई 100 साल रहते नहीं, इसलिए कहते हैं अल्पायु। फिर कलयुग में बोले प्राप्त कलियुग घोरा नरा पुण्य विवर्जिता, बोले कलियुग आने पर क्या होगा, जितने पुण्य हैं कलियुग में सभी का स्वाभाविक रूप में जो मन है, कहते ये पाप का प्रति, इनकी स्वाभाविक रूप में पाप का प्रति मन है। कलियुग पुण्य विवर्जिता दुराचार रता सर्वे, कलयुग में सबके सब दुराचार हो जाएंगे हैं। पर ये इंटरनेट स्मार्टफोन टीवी सब चीजें आकर के लोगों का हृदय को दूषित कर देगा, इसलिए कलयुग में कहते हैं क्या होगा, दुराचार रता सर्वे सत्य वार्ता पर अनमुख, कोई सच नहीं बोलेंगे कलयुग में, झूठ बोलेंगे हैं, सत्य वार्ता पर अनमुख। इसलिए कलयुग में प्रायण अल्पायुष सभ्य कला भस्मिन जुगे जना कहते मंदास मंद मतयो, कलयुग में लोगों का जो मन है स्वाभाविक रूप में पाप में प्रवृत्ति होगा,
स्वभाव रूप में इनका मैन गंदी चीज में जाएगा। अब देखो हम थोड़ी समय बैठते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए, आने के हरि नाम के लिए, उसी समय भी मन स्थिर नहीं रहता है। पता नहीं मन अपना अपना कहीं काम कर रहा है, किसी सिनेमा हॉल में चला गया, गोल गप्पे की दुकान में, किसी यार दोस्त के पास में चला गया। जब हम भजन 10 मिनट के लिए बैठते हैं आने करने के लिए, पता नहीं मन तो कहीं अपना काम कर रहा है। ये मन ऐसे है, इसलिए बोले दुराचार रता सर्वे सप्त वार्ता पुराण मुखा। इसलिए कहते मंदा सुमंद मतयो, बोले मंद भाग्य। कलयुग में लोगों का जो भाग्य भी अच्छे भाग्य नहीं, लोग का मंद भाग्य, तब तो कलयुग में जन्म ग्रहण करते हैं। इसलिए मंद भाग्य बोले झुप द्रुता, बोले झुप द्रुता मतलब कोई गंदा काम अगर बेटा करता है ना, है कोई गंदा काम। आज मेरे को एक व्यक्ति बोल रहा था, है कोई हमारे के शिष्य है, वो कहीं कथा करती है, कथा करती तो एक क्या हुआ, एक लड़का पढ़ाई लिखाई करता है, वो आता है कथा सुनने के लिए। स्वाभाविक रूप में धर्म में भी उसे रुचि है। अभी उसकी कथा सुन करके उसने प्याज लहसुन छोड़ दिया और माला लेकर जप करना शुरू कर दिया। जो अड़ोसी पड़ोस का जो माता है ना, उसकी माता को शिकायत कर दिया, बोले देख तेरा बेटा बाबा नहीं बन जाए, देखो माता जी को पास में जाकर कथा सुनता है। तो वो मेरे को बोल रही थी, बोले महाराज जी, फिर उसका मैया मेरे पास में आई, बोले तुमने किया मेरे बेटे को किया, अभी माला लेकर भजन कर रहा है, प्याज लहसुन छोड़ दिया, बोले एकादशी व्रत रखेगा है। इतने में वो बोल रही थी, मैंने उसको समझाया, बोले उसको बेटा को जानते हो क्या करता, शराब, जो जिन लोगों ने शिकायत किया ना, उसका बेटा शराब पीता है, उसका बेटा शराब, दूसरे का बेटा गंजा फूकता है, सिगरेट फूकता है, क्योंकि तेरा बेटा सही हो गया, तेरा बेटा भजन कर रहा है, गंदा काम नहीं करता, इसलिए उसको ईर्ष्या हो रहे हैं, हमारा बेटा तो शराब पीता है और गंजा फूंकता है, सिगरेट पीता है, इसका बेटा अच्छा कैसे हो जाएगा, इसका बेटा, इसलिए वो ईर्ष्या करके तुम्हारे बेटे का नाम पर शिकायत कर रहे हैं। तुम्हारा बेटा तो अच्छा है, भजन कर रहा है, गलत काम नहीं कर रहा है, हरिनाम करता है, भगवान की भक्ति करता है, बड़े भाग्य से कोई भजन करता है कलयुग में। इसलिए बोले कलयुग में झुप द्रुता, बेटा अगर शराब पीता है ना, सिगरेट फूंकता है, लड़कीबाजी करता है, बोले खूब बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन अगर प्रभु का भजन में आ जाए ना, अरे ये कोई उम्र है तुम्हारी भजन करने का, अभी क्या सब तिलक कंठी चिता चैतन्य क्या लगा लिया है, गंदा काम करता कोई कुछ नहीं बोलेगा। इसलिए बोले झुप द्रुता, कलयुग में भजन करना बड़ा बड़ा विपत्ति है, इसमें बड़ा उपद्रव है। इसलिए बताओ ये कलयुग में जीव का कल्याण कैसे होएगी। इसलिए उन्होंने उनको 6 प्रश्न किया है और ये 6 प्रश्न का उत्तर ये श्रीमद् भागवत है। भागवत जो इसका पहला प्रश्न है क्या है, ये आत्मा को पर आत्मा का कल्याण कैसे हो, आत्मा को शांति कैसे मिले हैं। इसलिए इनका पहला प्रश्न है, ये करोड़ रुपया का प्रश्न है, क्योंकि जगत में जीव जो कुछ करता है उसका उद्देश्य है जीवन में हमें शांति कैसे मिले, हमें शांति कैसे मिले हैं। लेकिन हम सोचते हैं शायद ज्यादा पैसा हो जाएगा ना शांति मिल जाएगी, अगर ऐसे उठा बिल गेट सबसे बड़ा उसको शांति मिलता, इसलिए जाकर पूछो जिसको पास में इतना ज्यादा पैसा, हम सोचते हैं पैसा को पीछे भागते ज्यादा पैसा हो जाएगा शांति मिल जाएगा, पूछो जिसको पास में ज्यादा पैसा, शांति है तुम्हारे पास में, गोली खाकर रात को सोता होगा है। इसलिए कहते शांति कैसे मिले, दूसरा प्रश्न है, उसको साथ साथ में सब लिंक है। दूसरा प्रश्न है कलयुग में भगवत प्राप्ति का सरल उपाय क्या, सरल उपाय क्या है, क्योंकि शांति कब मिलेगा, जब जीव को भगवत प्राप्ति होगा, भगवत प्राप्ति के बगैर जीव को भी शांति मिल ही नहीं सकती है। इसलिए कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या है। तीसरा प्रश्न है हमें भगवान कृष्ण की कथा सुना, बोले कृष्ण एक होने पर भी कृष्ण 3 है, कहते एक द्वारकाधीश और एक मथुरेश और एक श्री वृंदावन कृष्ण, हमें ये 3 कृष्ण की कथा सुना। चौथा प्रश्न है केवल कृष्ण कथा नहीं, बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। इसलिए भगवान कभी रामावतार में उन्होंने रावण को उन्होंने संहार किया, कभी उन्होंने वामन अवतार में बलि महाराज को ऊपर में कृपा की, कभी नरसिंह अवतार में उन्होंने श्री प्रह्लाद को ऊपर में कृपा की,
कभी मत्स्य अवतार में भगवान वेद को उद्धार किया, कभी उन्होंने बराह अवतार में पृथ्वी को उत्तोलन किया। इसलिए हमें केवल कृष्ण कथा नहीं, उनके सारे अवतार का भी हमें कथा सुना। और उनका जो पंचमा प्रश्न है, उनका जो प्रश्न पंचमा प्रश्न है, भगवान की जो अद्भुत जस है, भगवान की जो अद्भुत पराक्रम, उनकी जो महिमा है, जिसमें अजामिल जैसे पापी व्यक्ति भी अपना बेटे के लिए भी उन्होंने एक बार नारायण बोला, तो उसी से ही उनकी संसार से उद्धार हो गया। इसलिए उनकी पराक्रम, उनकी महिमा की हमें कथा सुनाओ। छठवां प्रश्न है, भगवान जब ये जगत छोड़ करके गए, धर्म उन्होंने कहाँ अपना आश्रय लिया? बोले धर्म कहाँ आश्रय लिया कलयुग में? बोले ये श्रीमद् भागवत में। इसलिए कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि विषह कलौ नष्टा दृश्यामय सब पुराण अर्क गुणात्र। इसलिए भगवान जीव को कल्याण करने के लिए पुराण रूपी अर्क हैं, पुराण रूपी उन्होंने सूर्य रूप में भगवान ने प्रकट हुआ है, हैं? प्रकट हुए हैं। इसलिए जब उन्होंने छह प्रश्न की, छह प्रश्न सुन करके श्री सुतो गोस्वामी उनके रोम रोम के लिए उठा, उनकी बड़ा प्रसन्न हुए। बोले क्यों प्रसन्न हुए? बोले कारण है, इन्होंने जो प्रश्न किया है, ये जितने सारे प्रश्न भगवत संबंधी प्रश्न, और यहाँ पर जो चर्चा होगी केवल भगवत चर्चा है, इसमें कोई दुनियादारी की चर्चा नहीं। क्यों? साधु लोगों को किस चीज में अच्छा लगता है? साधु लोग केवल भगवान की भजन में, भगवान की भक्ति में ही ये साधु लोग प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। इसलिए उन्होंने प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के पहले मैं सबसे पहले श्री अपना गुरुपाद पद्म को चरण में प्रणाम करते हुए आपका प्रश्न हमें उत्तर दूंगा। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम अपना गुरु जी के चरण में प्रणाम करते हैं। बोले बंदाओ गोरो पद पदो मा परागा, बंदाओ गोरो पद पदो मा परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, बंदाओ गोरो मा परागा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। बोले जम प्रभजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायन विरह का तराजु भाव, पुत्रीति तन्मयतया तरवो विनेदुम स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान त्वस्मि। सर्वप्रथम उन्होंने अपना श्री गुरु जी के चरण में प्रणाम करते हैं। बोले मेरे गुरु जी कौन है? बोले मेरे गुरु जी कोई साधारण नहीं। कहते मेरे गुरु जी कौन है? कहते श्री जो श्री सुखदेव गोस्वामी जो मातृ गर्भ में 16 साल तक रहे, जो गर्भ से निकलना नहीं चाह रहे थे, हैं? जो गर्भ में बैठ बैठ करके गर्भ में भजन कर रहे थे, गर्भ में बैठ बैठ करके भजन कर रहे थे, इसलिए जो गर्भ में बैठ बैठ करके भजन कर रहे थे, इसलिए कहते जब उन्हें निकले, निकलते ही
उन्होंने अभी उनकी उपनयन संस्कार भी नहीं हुई और उन्होंने संन्यास ग्रहण करते हुए इसलिए वन का तरफ में भागे। इसलिए श्री उनको पिताजी श्री व्यास देव उनको पीछे में हाफ पुत्र करते करते उनको पीछे 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 चल रहे थे। इतने में प्रतिध्वनि आ रहा था हाफ पुत्र बोले कौन किसका बेटा कौन किसका पुत्र है, ये संसार माया कोई किसका संसार में नहीं। इसलिए मेरे जो गुरुदेव है लता पता और वृक्ष में सर्वत्र में मेरे गुरुदेव विद्यमान है। इसलिए जो भगवान के प्यारे होते हैं वो सभी का प्यारे हो जाते हैं, जो भगवान के प्यारे बनते हैं। इसलिए जा पर कृपा हरि की हो ता पर कृपा करे सब कोई, इसलिए सबको प्यारे वो बन जाते हैं। इसलिए पहले श्री गुरु जी के चरण में प्रणाम किए जब मेरे गुरु जी सभी का हृदय में भी, इसलिए गुरु जी मेरे हृदय में भी गुरु जी प्रकट हो जाए। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम उन्होंने गुरु जी को उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए उनका पहला जो प्रश्न था आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, बोले सवई पुंसा परो धर्म जत भक्ति रधक्षजी आहै तुकी अप्रतिहता जया आत्मा संप्रसिद्धति। बोले सवई पुंसांग परो धर्म, बोले पुरुष मात्र का यही सर्वश्रेष्ठ धर्म किया है। बोले जीवर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, सभी भगवान का नित्य दास है। इसलिए जीव का परम कर्तव्य है भगवान को भक्ति करना है। बोले भक्ति तो हम सबके सब करते हैं लेकिन अभी हमको शांति कैसे क्यों नहीं मिल रहा है। बोले जैसे भक्ति करनी चाहिए हम वैसे भक्ति नहीं कर रहे हैं। भक्ति कैसे करनी चाहिए, बोले आहै तुकी और अप्रतिहता। भक्ति होनी चाहिए जिसमें कोई कामना वासना नहीं हो और जिसमें कोई प्रतिहता मतलब भक्ति कंटिन्यू भक्ति होनी चाहिए। इसलिए से रूप गोस्वामी इसकी उदाहरण देते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुतमा। इसलिए भक्ति उत्तमा श्रेष्ठ भक्ति किसको कहते, बोले अन्याभिलाषिता शून्यम जिसमें किस तरह का कोई अभिलाषा नहीं हो हैं, और जो भक्ति कंटिन्यू भक्ति जैसे शहद डालते हैं ना उसमें जैसे एक धागा बन जाती है, कहते भक्ति ऐसे कंटिन्यू ये भक्ति होनी चाहिए हैं, इसमें कोई बीच में रुकावट नहीं होनी चाहिए। और वो भक्ति किसका प्रति होनी चाहिए, बोले कृष्णानुशीलनम हैं कृष्ण के प्रति वो भक्ति होनी चाहिए। बोले केवल कृष्ण, बोले कृष्णा कृष्णा मतलब उनकी अनुकूला देवी श्री राधा रानी। अगर ये भक्ति कृष्ण और राधा जी के प्रति अगर ये भक्ति हो, कहती है भक्ति को सर्वश्रेष्ठ भक्ति इसको कहते हैं। इसलिए जो दूसरा प्रश्न है, कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या है, बोले सबसे सरल उपाय है बोले एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम अकूत भयम् जोगिनाम निर्पनिर्णित हरि नामानुकीर्तन। इसलिए कहते हैं कलयुग में भगवान सबसे सरल उपाय रखा है, क्या है, हरे नामानुकीर्तनम, भगवान की जितने साधन हैं। इसलिए साधन मध्य श्रेष्ठ नव विद्या भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दित धरे महाशक्ति तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरापराध नाम लैले पाए प्रेम। इसलिए कहते भगवान कलयुग में सबसे सरल उपाय रखे, उनको पता है कलयुग में जीव दूसरे कोई साधन कर ही नहीं सकता है, यज्ञ तपस्या स्वाध्याय हैं ये सब कर ही नहीं सकता है बिना पैसा बिना कष्ट के। सबसे सरल उपाय भगवान का नाम है, भगवान का नाम है। इसलिए भगवान का नाम करने पर आसानी से ही जीव भवसागर से भव बंधन से मुक्त हो जाएगा। इसलिए महाप्रभु कहते हैं बोले नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्रार्पिता नियमित स्मरण काल एतादृश तब कृपा भगवत नामापि दुर्दैवम विदृशमिह जानी नानुराग। इसलिए बोले नाम नाम कारी बहुधा, भगवान का एक नाम नहीं हरि अनंत हरि कथा अनंत भगवान की अनंत नाम है।
हरे नाम में उन्होंने सारे शक्ति उन्होंने नाम में भर दिया। फिर ये भी नहीं बताए क्या नहीं बताए, बोले हैं इसलिए ये नाम केवल पवित्र अवस्था में तुम कर सकते हो। लेकिन भगवान का नाम पवित्र अपवित्र किसी अवस्था में भी भगवान का नाम तुम ले सकते हो, इसलिए उसमें कोई पाबंदी नहीं, भगवत नाम करने में कोई पाबंदी नहीं। लेकिन महाप्रभु कहते हैं इतना सरल, इतना सुविधा, इतना सरल देने पर भी, लेकिन तब भी कलयुग में जी भगवान का नाम लेना नहीं चाहते हैं, ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। इसलिए कलयुग में सबसे सरल उपाय है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज हम लोग कथा को यही विश्राम देते हैं, कोई विशेष जरूरी काम है, अब हमें जाने का कोई जरूरी काम पड़ गया, इसलिए फिर कल से हम ये कथा को ठीक से श्रवण करेंगे। आज हम कथा को यही विश्राम देते हैं, ठीक है। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण नारायण गोस्वामी महाराज की जय।
स्वामी महाराज की जय। मित्रीला प्रभुष्ण भक्ति सिद्धांत सरस्व भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। सपरिकर गौर हरि की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि।